हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जावेद अंसारी। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के बारे में, यानी कि दिसंबर 2023। आप पब्लिक नोटिस देख रहे हैं, ये है 30 सितंबर 2023 यानी 30 सितंबर 2023। अब देखते हैं कि किस चीज़ का है ये, नेट के फॉर्म भरने के बारे में। अब अगर हम ये देखें कि जो फॉर्म भरने का टाइम स्टार्ट हो रहा है वो है 30 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर 2023 तक, 30 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक, टोटल 29 यानी 29 डेज हैं। उसके बाद में फीस जमा करने की और फाइनल करने की जो डेट है वो है 29 अक्टूबर, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। उसके बाद में अगर कोई फॉर्म में कोई गलती हुई है तो उसकी करेक्शन के लिए दो दिन का टाइम दिया जाएगा, 30 और 31 अक्टूबर। एग्जाम जो सिटी का अनाउंस होगा वो नवंबर के लास्ट वीक में होगा, और हॉल टिकट जो वेबसाइट पर आएगा वो पहले हफ्ते से आने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो 6 दिसंबर यानी कि 6 दिसंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक हैं। टोटल इसमें 17 डेज तक एग्जाम चलेगा, आपका जिस डेट में होगा उसमें आ जाएगा। फीस जो है वो है जर्नल की 1150 रुपये, EWS और OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर की 600 यानी 600 रुपये, और SC ST थर्ड जेंडर इनकी है 325 यानी 325 रुपये। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इसमें कि आपको क्या क्या चाहिए, आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। देखिए, किसी भी फॉर्म के लिए आपके पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी बिल्कुल परमानेंट होनी चाहिए, उसके अलावा फोटोज लगेंगे इसमें और दूसरी चीज़ें हैं। और इसको जो इश्यू किया है वो राजेश कुमार IRS, ये डायरेक्टर हैं NTA के, इन्होंने किया है। अब देखिए, इन्होंने वेबसाइट भी दे दी है, जैसे ही हम वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं या गूगल से भी आप ले सकते हैं। जैसे ही हमने यहां क्लिक किया तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर में आने वाले NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पेज खुलेगा। यहां पर हम क्लिक करेंगे UGC नेट दिसंबर 2023 रजिस्ट्रेशन ओपन पर। जैसे ही हमने क्लिक किया ये हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। उसमें क्या क्या है UGC नेट दिसंबर 2023 में, ऑनलाइन के जो स्टेप हैं, 3 स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सेकंड फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड पे एग्जामिनेशन फीस। उसके बाद में हम चूंकि पहली बार ले रहे हैं तो हम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो इसने हमें यहां ये पहुंचा दिया है, ये देखिए डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये पुराना वाला अभी तक शो हो रहा है वेबसाइट पर, अगर अपडेट करेंगे तो शायद न्यू वाला आ जाए। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो डायरेक्टली मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है मेन पेज से वो शेयर कर दूंगा। यहां बहुत सारी कंडीशन लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ें या ना पढ़ें, समझे या ना समझे, आपको इन्हें एक्सेप्ट करना कंपल्सरी होता है। यहां आपने इसको नीचे जाकर स्क्रॉल करते जाना है और इसके सारे पॉइंट्स के बाद इसकी कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और उसको क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। अगर आप ये कंडीशन नहीं मानेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे ही आपने क्लिक हेयर टू प्रोसीड किया तो नेक्स्ट पेज पर यहां पर पर्सनल डिटेल में आपके पास इस लिंक ने आपको पहुंचा दिया है। फर्स्ट है इसमें कैंडिडेट नेम, अब आप सबसे पहले कैंडिडेट नेम अपना एंटर करेंगे। ये सारी चीजें मैंने एक स्क्रीनशॉट में शो की हैं जो डायरेक्टली वेबसाइट से हैं, और एक मैंने फिल वाला किया है, तो जो फिल वाला है हम वो देख लेते हैं यहां इन्होंने क्या क्या हमसे डिटेल ली है ताकि ईजी हो जाए। सबसे पहले इसमें इन्होंने नाम पूछा है, देखिए यहां मैंने सारी चीजें दे दी हैं, नेम, उसके बाद में जो है वो फादर्स नेम, मदर्स नेम,
उसके बाद में जो है वो डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, जेंडर मेल, मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी टाइप, यहाँ मैंने अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दिया है और उसका नंबर दिया है। देन है हमारा प्रेजेंट एड्रेस, मेरा प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, मैंने ये एड्रेस दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर दिया, उसने उसी को ले लिया है। उसके बाद में यहाँ नीचे पासवर्ड, देखिए पासवर्ड में आपको 1 से लेकर 9 तक, उसके अलावा कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक कोई एक अल्फाबेट, स्मॉल ए बी सी डी यानी कि छोटी ई बी सी डी ए से लेकर जेड तक कोई एक अल्फाबेट, और डॉलर स्लैश कोलन हैश एट द रेट यानी कि स्पेशल कैरेक्टर में से कोई एक लेना है, उससे आपको पासवर्ड बनाना है। देखिए पासवर्ड यहाँ ओके हो गया, इसीलिए ग्रीन टिक यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज योर मदर नेम, मैंने इसको लिया है और उसको ओके कर दिया है। सिक्योरिटी पिन आया यहां पर, यानी कि ये जो कैप्चा लिखा हुआ होता है, कैप्चा मैंने एंटर किया और यहां इसने सबमिट करने के लिए बोला, मैंने इसको सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद देखिए यहां इसने मुझे एक बार बोला है कि प्लीज चेक केयरफुली और सबमिट एंड सेंड ओटीपी, अगर ये सही है तो आप इसको जो है वो चेक करें और सबमिट कर दें। देखिए कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ हाइड कर दी हैं। उसके बाद में आइडेंटिटी टाइप, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सिक्योरिटी डिटेल्स, उसके बाद में यहाँ इन्होंने चेकलिस्ट पर क्लिक कराया कि आई एग्री, सबमिट एंड सेंड ओटीपी, ओटीपी हमारा मोबाइल नंबर पर जाएगा। मैंने यहां सारी चीजें जो है वो चेक कर ली हैं, ये देखिए आप कि इसको मैंने ओके कर दिया है। यहां मैंने सारी चीजों पर क्लिक किया, जैसे माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, देखिए सारे ग्रीन हो गए, इसका मतलब ये सब ओके हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट इसने मुझसे कहा है कि आप एग्री कीजिए इस कंडीशन को, आप पढ़े ना पढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। मैंने यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी किया, तो यहाँ इसने एक बार मुझसे पूछा कि कन्फर्म डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, मैंने यस किया। यस करने के बाद में इसने जो है वो मुझे बताया कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी, मेल आईडी पर इसने मेरी ओटीपी भेजा है। यहां मैंने उसके बाद मैंने ओटीपी एंटर किया और उसके बाद इसने मुझे यहां देखिए मैंने ओटीपी एंटर किया, वेरीफाई किया और यहां इसने क्या किया, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी, ओटीपी वेरीफाई हो गया है मेरा, मैंने यहां ओके कर दिया है। जैसे ही ईमेल वेरीफाई हुआ, यहां इसने क्या दिया है मुझे मैसेज, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, कंप्लीट योर एप्लीकेशन, इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर एप्लीकेशन नंबर इन योर ईमेल, प्लीज चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर, मैंने यहां ओके कर दिया। इसने मुझे जो है वो मेरे ईमेल आईडी पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया है। अगर किसी वजह से नहीं आता है तो आप मेन पेज पर जाएंगे और वहां पर एक ऑप्शन है, इफ यू आर नॉट गेटिंग ओटीपी प्लीज चेक क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल, यहां इसको ओके करेंगे। उसके बाद में देखिए यहां मैंने अपना मेल चेक किया तो उसने मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया है। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को क्लिक करने के बाद, पिक करने के बाद मैं फिर से मेन पेज पर गया, लिंक पहले से ही हमारे पास है, और वहां पर मैंने लॉगिन किया, यूजीसी नेट December 2023, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, लॉगिन। लॉगिन करने के बाद इसने मुझे नेक्स्ट पेज पर पहुंचा दिया है, जो ये एनटीए का मेन पेज है। लेफ्ट साइड में मेरा नाम और एप्लीकेशन नंबर है, डैशबोर्ड है, इसके अंदर 3 पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है मेरा, एप्लीकेशन अब इनकम्प्लीट है और फीस पेमेंट इनकम्प्लीट है। अब मैंने यहां से या तो इधर लेफ्ट साइड से डैशबोर्ड से मैं एप्लीकेशन पे चला जाऊं या यहीं इसके नीचे जो है वो
कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, यहां से ले लें। मैंने यहां कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक किया और उसके बाद में इसने मुझे कई सारे पॉइंट बताए। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। पर्सनल डिटेल इधर लेफ्ट राइट साइड में आ गई है। सेकेंड है कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद है आधार डिटेल, देन एग्जाम सेंटर डिटेल, देन क्वालिफिकेशन डिटेल, देन एडिशनल डिटेल, देन डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट, मोबाइल वेरीफाई। अब यहां पर पर्सनल डिटेल में मुझसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, मैंने ये देखिए अगले वाले कॉलम में सब कुछ किया है। यहां नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी। उसके बाद में देखिए जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके पास में जो है वो ओबीसी एनसीएल वाला करंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो अपलोड करना है। उसमें पूछा है कि आप किस के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपका क्या है, माइनॉरिटी है या नहीं है। ये सारी चीजें मैंने की, एग्री किया, सेव एंड नेक्स्ट किया। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में अब एप्लीकेशन की देखिए अगर लेफ्ट साइड में हम देखें तो पर्सनल डिटेल ओके हो गई। अब कॉन्टैक्ट डिटेल आई, कॉन्टैक्ट डिटेल में इसने मेरा एड्रेस लिया है, मेल आईडी लिया है और उसके बाद इसने मुझसे एग्री कराया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ये भी मेरा कॉलम कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहां पर मैं थर्ड नंबर में आ चुका हूं आधार डिटेल में। जिस जगह पर आपकी आधार को मैंडेटरी नहीं किया गया है वहां आप आधार ना दें। मैंने देखिए नो कर दिया है, एग्री किया, सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद इसने मुझे एग्जाम सेंटर डिटेल पर पहुंचा दिया है। मैंने क्या किया है एग्जाम सेंटर डिटेल में, यहां देखिए आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप और नेट, मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया है। किसके लिए किया है मैंने, नेट एंड एजुकेशन बोथ के लिए। उसके बाद में सब्जेक्ट ऑप्टेड मेरा एजुकेशन, इसका कोड 9 है। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर मीडियम मैंने इंग्लिश लिया है। मेरा फर्स्ट चॉइस का जो सेंटर है मैंने दिल्ली लिया है, दिल्ली, न्यू दिल्ली या दिल्ली इसका है, इसी जोरिस्डिक्शन में आएगा। सेकंड मैंने यूपी का नोएडा लिया है, थर्ड मैंने हरियाणा का फरीदाबाद लिया है, फोर्थ मैंने यूपी का गाजियाबाद लिया है। अब यहाँ पर डिटेल आ गई है गार्जियन की, फादर, गार्जियन, ऑक्यूपेशन। तो जो डिटेल थी उसमें नहीं आ रहा तो मैंने अदर कर दिया है। फादर, गार्जियन, क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ मदर, गार्जियन का ऑक्यूपेशन आया है और उसमें क्वालिफिकेशन, तो मैंने ग्रेजुएट है तो मैंने वो कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ कैप्चा लिया है, एग्री कराया है, सेव एंड नेक्स्ट। मैंने ये सेव एंड नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट पॉइंट पर इसने मुझे पहुँचा दिया है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। मेरा MA एजुकेशन चल रहा है अभी, तो यहाँ मैंने अपियरिंग दिखा दिया है, पास अपियरिंग कब है 2023, मास्टर ऑफ आर्ट्स है, वेदर इन फाइनल ईयर, फाइनल ईयर इज अवेटेड, मैं या तो फाइनल ईयर में हूँ या मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैंने येस कर दिया है। इंडिया से है, स्टेट राजस्थान है, यूनिवर्सिटी का नाम वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा है। कैप्चा एंटर किया मैंने, आई एग्री किया, सेव एंड नेक्स्ट किया और इसने मुझे एडिशनल डिटेल पर पहुंचा दिया। एडिशनल डिटेल में ना तो मैं एमफिल कर रहा हूं, ना मैं पीएचडी कर रहा हूं, ना मेरे पास, ना मैं एक्स सर्विसमैन हूं, ना मेरे पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है एमए में मेरे, और ये सारी चीज़ें मैंने नो की। कैप्चा यानी सिक्योरिटी पिन एंटर किया, एग्री किया, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद इसने मुझे जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड में पहुंचा दिया। डॉक्यूमेंट अपलोड देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक तो फोटो लगेगा, सिग्नेचर होंगे। अगर आप जर्नल SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप ये इस कैटेगरी से आते या EWS से आते हैं तो वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। साइन जो है वो 10 से 200 के भी होंगे, सिग्नेचर 4 से 330 के भी होंगे, कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होगा वो 50 से 300 के भी होगा। देखिए यहाँ मैंने भी दिखाया है कि मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की, अगले ऑप्शन में मैंने देखी यहाँ सारा कुछ दिखा दिया। फोटो पर मैंने ब्लैक मार्क इसलिए लगा दिया कि ये YouTube की कंडीशंस में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ मैंने फोटो दिखा दिया, यहाँ साइन और यहाँ जो है मेरा OBC सर्टिफिकेट आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट है, मैंने इसको जो है वो सेव एंड नेक्स्ट किया और इसने मुझे जो है वो मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजने के लिए मुझसे मोबाइल नंबर मांगा, कैप्चा एंटर कराया और सेंड OTP कर दिया।
OTP जैसे ही सेंड हुआ मेरे मोबाइल पर OTP आया, मैंने यहाँ मोबाइल OTP किया, वेरीफाई OTP किया, और वेरीफाई OTP करने के बाद इसने जो है मुझे बता दिया है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसने मुझे नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुंचा दिया है कि आप चेक कर लें कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो पर्सनल डिटेल और दूसरी चीज़ें वो ओके हो गई हैं, सही है या नहीं। यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें, मैं एक बार इसको और एनलार्ज कर देता हूँ। पर्सनल डिटेल में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी नंबर, उसके बाद में जो है कैटेगरी, ना तो मैं फिजिकल हैंडीकैप्ड हूँ तो इसीलिए अगला ऑप्शन जो है वो ब्लैंक हो गया, डिसेबिलिटी कोई नहीं है, नेक्स्ट के कॉलम जो है वो ब्लैंक हो गए। इसमें पूछा गया कि आर यू डायबिटिक, नो, तो नेक्स्ट का कोई कॉलम नहीं आएगा। एनुअल इनकम आ गई है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ मैं, कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम है। सब्जेक्ट नेम इन एजुकेशन जो है वो मेरा PG में जो है वो एजुकेशन है। इसके बाद इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल आई है, कॉन्टैक्ट डिटेल मैं पहले ही बता चुका हूँ। आधार डिटेल मैंने नो कर दी है, आप भी नो करें। उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी गई है, एडिशनल डिटेल पूछी गई है, इसमें मैंने सब नो किया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में यहाँ फिर इसने शो किया है फोटो, साइन और डॉक्यूमेंट। उसके बाद में पूछा है कि आपने एग्जाम सेंटर एंड डिटेल क्या क्या दी है। देखिए यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट एंड JRF दोनों में अप्लाई किया है। सब्जेक्ट मेरा नेट है, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में लूँगा मैं। स्टेट दिल्ली है मेरा। फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन मैंने अदर लिया है, मदर भी ऑक्यूपेशन उसमें लिस्ट में नहीं था। फादर की क्वालिफिकेशन, मदर की क्वालिफिकेशन। उसके बाद में चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसने दे दिए हैं, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद। यहाँ मैंने इसको सबमिट किया है। सबमिट करने के बाद में इसने मुझसे कहा है कि अगर ये सब सही है तो आप इस चेक लिस्ट पर क्लिक कीजिए और फाइनल सबमिट कीजिए। मैंने सारे चेक लिस्ट को ओके किया है। ये देखिए यहाँ इसने मुझे एक बार मैसेज दिया है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। If you would like to change any information, please use the links provided on the left menu bar. Left में जाना है अगर कोई भी edit करना है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ मैंने देखिए my name, date of birth, father name, mother name, gender, address, mobile, email ID, center city, कोर्स, सब्जेक्ट, आई एग्री, सब पे क्लिक किया और फाइनल सबमिट कर दिया। फाइनल सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ इसने खुद ही बता दिया है कि आपकी डिटेल कौन कौन सी कंप्लीट हो गई है, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप लेफ्ट से जाकर चेक कर सकते हैं डैशबोर्ड के जरिए, वरना यहाँ पे नाउ। जैसे ही मैंने पे नाउ पर क्लिक किया तो इसने मुझसे पूछा कि आप जो है वो पे करना चाहते हैं, इसने पेमेंट स्टेटस दिखा दिया। अगर किसी का इससे पहले कोई पेंडिंग है तो वो भी यहाँ पर दिखा देगा। मैंने उस पर क्लिक किया तो इसने मुझसे ऑप्शन मांगा है कि आप किस गेटवे से पेमेंट करना चाहेंगे। SBI ईपे है, कैनरा बैंक है, ICICI है। मैंने SBI ईपे पर क्लिक किया। यहाँ नेट बैंकिंग है, अदर, इसमें SBI की नेट बैंकिंग से 0 चार्ज है, अदर नेट बैंकिंग से 5.9 रुपीज़ है। कार्ड पेमेंट में अदर बैंक डेबिट कार्ड का कुछ नहीं है, यानी कि ATM 0 चार्ज पर है। क्रेडिट कार्ड से 18.64 रुपीज़ पैसा लग रहे हैं। उसके बाद में जो है वो UPI से कोई पेमेंट नहीं, कोई चार्ज नहीं है। मैंने UPI से पेमेंट किया और यहाँ इसने बताया कि 600 लगेंगे। मैंने कन्फर्म किया। कन्फर्म करने के बाद में मेरा पेमेंट फेल्ड हो गया। मैंने फिर दोबारा से ट्राई किया और पेमेंट तो हुआ है मेरा, लेकिन पेंडिंग शो कर रहा है। जितने भी लोग UPI से पेमेंट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए उनका पेमेंट पेंडिंग आ रहा है। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा, कुछ का वो आ रहा है कुछ का नहीं, कि वेरीफाई करेंगे और उसके बाद PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था UGC नेट JRF दिसंबर 2023 फॉर्म भरने का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ फर्स्ट पेपर का सिलेबस मैंने पहले से ही रेडी कर रखा है, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसकी PDF भी मौजूद है। ये जो मैंने
जिस पीडीएफ से फॉर्म भरा है ये भी आपको मेरे एजुकेशनल अपडेट ग्रुप टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप में भी मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प लेनी है या फॉर्म भरवाना है तो वो भी मैंने मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप व्हाट्सएप, ईमेल, टेलीग्राम, फेसबुक पर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा।